ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी कि 27 अक्टूबर के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। नॉर्मली क्लासेस दोपहर 12 बजे होती हैं, लेकिन आज क्योंकि मुझे कहीं ट्रैवल करना है तो मैंने सुबह ये क्लास कंडक्ट की है और बहुत दिनों के बाद हम लोग सुबह मिल रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये कुछ अच्छा फ्रूटफुल होगा। जो तीन टॉपिक्स हम लोग बात करने वाले हैं उसमें जो टॉपिक हैं आपके तीनों ही मेंस और प्रीलिम दोनों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे। आज के टॉपिक हमने ऐसे पिक किए हैं जहाँ पे आपको बड़े आराम से आपको समझ में आएगा कि प्री और मेंस दोनों के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। पहला टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज़ कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड अप्रूव्ड। अभी आपको पता होगा पिछले 20 सालों में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो अभी तक कमर्शियल तौर पे जो GM क्रॉप था, द ओनली GM क्रॉप वॉज कॉटन। तो कॉटन जो हमने स्टार्ट किया, BT कॉटन जिसको आप लोग बोलते हो, तो BT कॉटन वॉज द ओनली कमर्शियल क्रॉप। लेकिन अभी हमने रिसेंटली, अभी 18 अक्टूबर की बात है, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को भी अप्रूव किया है, जो धारा मस्टर्ड है उसको अप्रूव कर दिया है। अब ओवरऑल ये हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा मौका है ये टॉपिक डिस्कस करने का कि भैया एग्जैक्टली GM क्रॉप्स होते क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिगार्डिंग हमारे पास क्या कानून है, GM क्रॉप्स के अपने एडवांटेज अपने बेनिफिट्स क्या हैं, अपने इश्यूज अपने चैलेंजेस क्या हैं। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में भी काम आएगा, एनवायरमेंट में भी काम आएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपके काम आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका ओवरलैप आप देखोगे ना तो सभी GS पेपर में, जी हाँ, GS 1 से लेकर के 2, 3, 4 इवन आपके, बिकॉज GM क्रॉप्स अपने आप में एक एथिकल इश्यूज भी हैं, तो एनवायरमेंटल एथिक्स वगैरह जो होते हैं एथिकल इशू में भी आपका काम आएगा। सो इट्स वन सच टॉपिक जो इतना वास्ट जिस टॉपिक का ओवरलैप मिलेगा ना, तो ऐसे टॉपिक्स आप हमेशा पिक करो जिनका आपको बहुत वास्ट ओवरलैप मिलता है। तो वो है ये टॉपिक GM क्रॉप का, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा दैट इज अबाउट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। पहली बात तो होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की इज देयर एनी नीड, अगर हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम अपने शिक्षा प्रणाली को जो है प्रजातांत्रिक कर दें, यानी डेमोक्रेटाइज कर दें अपनी एजुकेशन को, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और साथ में अर्बन पुअर, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और क्यों कहते हैं कि भैया जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपको अपने अर्बन पुअर्स को सबसे पहले आपको इनको शॉक प्रूफ बनाना है, शॉक प्रूफ बनाने की रिक्वायरमेंट अर्बन पुअर की क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, तो तीन टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं आज, और क्लास भी छोटी करेंगे, एक घंटे का लगभग 60 मिनट की क्लास होगी, तो अगले 60 मिनट में हम ये तीन टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करो, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, मेरा मन है, मेरा टारगेट है जितना जल्दी हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें। हालांकि मैं चाहता था इस मंथ कंप्लीट हो जाए, मगर जितना क्विकली 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे आई विल बी वेरी हैप्पी, एक छोटा सा माइलस्टोन होगा हमारी मेहनत के लिए। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। जो भी अभी मैं पढ़ाऊंगा इसका PDF बाद में आपको मिल जाएगा, PDF आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में आपका गूगल ड्राइव लिंक पे उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और PDF के अलावा दोस्तों आप ये 500 MCQs की टेस्ट बुक भी सॉल्व कर सकते हैं पूरे सेप्टेम्बर मंथ के बेसिस पे, 500 MCQs की टेस्ट बुक है, इसका PDF आपको मिलेगा, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड होने के बाद आपकी मेल पे आ जाएंगे 500 MCQs। और इसी तरह से अभी अक्टूबर मंथ का भी बहुत जल्दी रिलीज करूँगा जैसे ये मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो पहला टॉपिक जो है दैट इज अबाउट GM क्रॉप्स, तो किसने अप्रूवल दिया है पहला टॉपिक समझो, GEAC, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉस अपने आप में। GEAC का मतलब क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एकदम लिख लीजिए दिमाग में फिट कर लीजिए, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये है दोस्तों
वो पर्टिकुलर बॉडी जो फाइनल अप्रूव देती है, फाइनल अप्रूवल देती है कि हाँ इंडिया में कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कमर्शियली कल्टीवेट करना है नहीं करना है, जो फाइनल डिसीजन फाइनल कॉल होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की होती है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC किसके अंदर काम करती है अल्टीमेटली अगर आप देखोगे सो यू विल गेट टू नो कि इट एक्चुअली वर्क्स अंडर फॉर हाउ मच टाइम गिव मी बैक। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अगर आप देखोगे सो इट्स मिनिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट। सो बेसिकली इट वर्क्स अंडर विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, तो दैट विल द आंसर विल बी यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल, ये कौन सी मिनिस्ट्री आपकी, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को MOEFCC बोलते हैं, तो ये वाली मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके आंसर को बिल्टअप करती हैं, आपके प्रीलिम्स में गलती को होने से बचाती हैं। सो जब भी आप इस पर्टिकुलर कमेटी की बात करें हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराइएगा, हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराओ कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर और ये हमारा एक मिनिस्ट्रीज आर वेरी क्रूशल फॉर दैट। सो फाइनली दोस्तों, अच्छा नॉर्मल कल्टिवेशन नहीं है, देखो समझो इस बात को, GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब इसका हम कमर्शियल कल्टिवेशन करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं अभी तक एज ऑफ नाउ इंडिया में देर वॉज ओनली वन GM क्रॉप, सिर्फ एक ही हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था जिसका नाम है BT कॉटन, और इस BT कॉटन को हम सिंस 2002 कल्टीवेट करते आ रहे हैं, यानी 20 साल हो गए। तो 20 साल से हम लोग BT कॉटन को यूज कर रहे हैं, मगर उसके अलावा और किसी भी क्रॉप को, हालांकि अगर मैं ग्राउंड लेवल पे ट्रायल की बात करूं तो लगभग 20 क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, मगर किसी को भी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव नहीं किया गया। तो फाइनली 20 साल के बाद अब जाकर के, हालांकि बीच में भी 2017 से बात चल रही है, मगर फाइनली अब जाकर के 5 साल के फील्ड ट्रायल्स के बाद हमारा जो दूसरा सेकेंड GM मस्टर्ड इज गोइंग टू बी द सेकेंड GM क्रॉप ऑफ आर कंट्री, दूसरा कमर्शियल क्रॉप है तो इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आया है। और GM मस्टर्ड का नाम क्या है, इस मस्टर्ड का नाम रखा गया है DMH11। DMH स्टैंड्स फॉर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड के नाम से इट इज अवेलेबल, आप याद रखेंगे ठीक है। और ओवरऑल किसकी गाइडलाइंस है, GM क्रॉप्स को ठीक है फाइनल अप्रूवल ये देता है, मगर ओवरऑल गाइडलाइंस किसकी हैं, तो एक और इसमें जो है काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको ICAR बोलते हैं, तो ICAR ओवरऑल गाइडलाइंस देता है और फिर फाइनल अप्रूवल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी आपकी यहाँ पे देती है। आई थिंक यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, हम थोड़ा सा इस पे डिटेल पे चलते हैं। पहले बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, सर GM क्रॉप का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। आप जेनेटिक समझते हैं, जीन समझते हैं, जीन्स तुम्हारा मेरा, हम लोग जिस भी चीज से बने हम सबके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल हमारे DNA में RNA में होता है राइट, उनको उनको कहते हैं जीन्स। तो जीन्स वो पर्टिकुलर हमारे बॉडी के वो पर्टिकुलर पार्ट है जिनके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ DNA RNA। और जीन्स जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी स्किन कैसी है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, मेरी इम्यूनिटी कैसी है, मेरी हर चीज़ को डिसाइड करते हैं ये जीन्स। तो जैसे एनिमल्स के जीन्स हैं वैसे प्लांट्स के भी जीन्स होते हैं राइट। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे अगर जो वर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो एक वर्ड तो नाम से समझ में आ रहा होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा आज तक एक चीज़ तो समझ में आती होगी कि सर जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम इन प्लांट्स के जीन्स को कुछ इनमें चेंज करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यस और नो, हम इन्हीं जीन्स को कुछ चेंज करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे। और जिस भी प्लांट के ओरिजिनल जीन्स को आपने चेंज किया, मॉडिफाई किया, या फिर इवन आपने रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस नहीं किया तो कई बार सिर्फ रिमूव कर दिया, कुछ भी हो सकता है, पूरा रिमूव कर सकते हैं जीन्स को, उसको किसी और से रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आप समझिए, एक ऐसा पौधा, एक ऐसा क्रॉप
जिसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियली जीन आपने इंसर्ट किए हैं, किसी और प्लांट किया, किसी और कोई और जीन्स को आपने इसमें ऐड किया है, चेंज किया है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। पॉइंट समझिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में ओरिजिनल जीन्स के अलावा या तो ज़्यादा जीन्स होंगे या कम जीन्स होंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा करते हैं। और नॉर्मली जीएम क्रॉप्स को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, हम जीएम क्रॉप्स को ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाए, इन पौधों में कोई बीमारी ना लगे, इनको हम हर्बिसाइड टॉलरेंट बना दें, इनका प्रोडक्शन बढ़ा दें, इनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दें, हम कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हो, हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके। और ऐसा नहीं, देखो समझो एक बात को, सिर्फ जीएम क्रॉप्स के नहीं होते, आपको ये भी पता होगा कि इवन ह्यूमंस के अंदर भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जा सकती है, हालांकि वो एथिकल नहीं है। जहां तक क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स का फिर भी आप काफी हद तक आप एथिकल मान सकते हैं क्योंकि कई जगह अप्रूवल है। ह्यूमंस पे तो ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि जो नेचुरल जेनेटिक्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे बहुत ज्यादा, राइट? अच्छा, अब यहां समझ में आ गया कि सर ठीक है, इंडिया में एक ही जीएम क्रॉप था, अभी दूसरा आ गया। जैसे यहां लिखा हुआ है कि जीएम क्रॉप्स, नो, नाउ वी हैव द सेकंड वन एंड सेकंड जीएम क्रॉप इज जीएम मस्टर्ड, जिसको हमने नाम दिया है जीएम मस्टर्ड को DMH11। नाउ इंडिया हैज गॉट टू जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जिनको हम कमर्शियली कल्टीवेट करेंगे। ओके, अब जीएम क्रॉप्स की चलो जी डेफिनेशन तो हमने ये देख ली है ना, यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई। अच्छा, प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसी होगी सोच के देखिए, ये हमारे लेटेस्ट से ये हमारे जीन्स हैं, डीएनए स्ट्रक्चर है, और आप बोलो सर ये मुझे एक पर्टिकुलर जीन्स है, इस जीन्स की वजह से ना इस पौधे में डिजीज लगने का खतरा है। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर एक काम करो, अगर आपको पता, और इसको बोलते हैं जीनोम सिक्वेंसिंग। जब आप इन सारे जीन्स की स्टडी करके इनको डिकोड कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड जीनोम सिक्वेंसिंग। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, स्पेशली कोविड टाइम पे तो बहुत सुना होगा, जब हम कोरोना वायरस का जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहे थे। तो जीनोम सिक्वेंसिंग इज द आउटकम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मुझे पता चल गया कि भैया इसकी वजह से बीमारी हो सकती है, मैं क्या करूंगा, उठा करके इस जीन को रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, और इसके बदले में कोई और जीन डाल दूंगा, कोई और चीज को रिप्लेस कर दूंगा, जिससे मेरे को बीमारी होने का खतरा काफी कम हो जाएगा, राइट? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो ये जीएम क्रॉप्स का एक बहुत ही बेसिक फंडा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि हमारे देश में इन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का हालांकि बहुत मैसिव लेवल पे यूज नहीं हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2002 में ओनली बीटी कॉटन को अप्रूवल दिया गया। एक बात और सोचने वाली है, ये जो अभी हम लोग रिसेंट अप्रूवल किए हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 का, ये बहुत खास है। बिकॉज देखो यार, कॉटन को हमको खाना नहीं होता ना, कॉटन तो आपकी कमर्शियल क्रॉप है, तो कैश क्रॉप है, तो कैश क्रॉप में तो जीएम अलाउ कर दिया। मस्टर्ड को तो हम लोग खाने वाले हैं ना, तो मस्टर्ड तो हमारा जो है फूड वाली कैटेगरी में आएगा ना, ये तो फूड क्रॉप वाली कैटेगरी में आएगा। तो ये अपने आप में खास है क्योंकि पहली बार किसी एडिबल चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम खा सकते हैं, किसी एडिबल चीज़ को मिल रहा है जीएम क्रॉप का को मिल रहा है अप्रूवल। ये बहुत खास है क्योंकि कॉटन के तो क्या है, मैक्सिमम कपड़े पहनने, खाना थोड़ी ना है, अंदर थोड़ी जाएगा शरीर के, राइट? लेकिन मस्टर्ड तो अंदर जाएगी, तो अपने आप में और भी ज़्यादा ज़रूरी है पहले समझना कि इंडिया में क्या लीगल पोजिशंस है, क्या इंडिया में अलाउड है, मैसिवली अलाउड है, कौन कौन से कानून है, ये समझना पड़ेगा आपको बॉस। ये वाले फैक्ट्स आपको थोड़ा सा क्लियर अपने करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं इंडिया में जीएम क्रॉप्स के लीगल पोजीशन पे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडिया में जब कभी भी आपको किसी भी जीएम क्रॉप को कमर्शियली रिलीज करना हो, तो पहले उसका अप्रूवल कौन देता है, GEAC। ये सबसे एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बॉडी का मतलब होता है हाइएस्ट बॉडी है, ये अप्रूवल देगी तो ही आपका कोई भी क्रॉप कमर्शियली यूटिलाइज होगा। पॉइंट समझ में आ गया, नंबर एक। और अगर कोई भी इंसान किसी अनअप्रूव्ड जीएम वेरिएंट का इस्तेमाल करता पाया गया, कोई आप ऐसा, आप हो सकता है राइस का, वीट का, किसी भी चीज़ का अगर जीएम वेरिएंट बना, आप यूज़ कर रहे हो जीएम वैरायटी यूज़ कर रहे हो बिना अप्रूवल के, तो पाँच साल तक की सज़ा भी है, जेल हो सकती है 5 साल, और 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी है। अब इसमें खास बात देखिएगा, एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है
ये 1986 होना चाहिए, 89 में कोई एक्ट नहीं है, इट हैज़ टू बी 1986। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ही अंडर हम जीएम क्रॉप्स को डील कर रहे हैं। ये वही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है जिसमें हम लोग बाकी वाइल्ड लाइफ और बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं। मगर याद रखिएगा कि इवन जीएम क्रॉप्स, अगर कल का क्वेश्चन आ जाए कि जीएम क्रॉप्स के लिए हम लोग कौन सी एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आंसर होना चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहली बार उसने एग्जम्प्ट किए हैं कुछ जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स। लगभग मैं बताऊं कि करीब करीब 20 ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हमारी सरकार ने मंजूरी दी है कि भाई आप इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में देखेंगे अलाउ करना है कि नहीं करना है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे दोस्तों। ये तो बात होगी लीगल जो है हमारे प्रोविजंस की। इसके अलावा आप देखोगे जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, DBT है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी कि कैसे कैसे आप जो है रिसर्च कर सकते हैं जीएम क्रॉप्स के अंदर, है ना, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो वो सब ऑलरेडी गाइडलाइंस हमारे यहाँ मौजूद हैं। सिमिलरली जो FSSAI है, हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने भी रिसेंटली एक परमिसेबल लिमिट दी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के को आप इम्पोर्टेड फूड क्रॉप्स में यूज कर सकते हो अप टू 1%। ये सारे हमारे लीगल प्रोविजंस हैं जिनको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रहनी चाहिए बॉस। हो सकता है इस कमेटी के ऊपर अलग से MCQ आने के चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन UPSC मिस नहीं करता, जरूर पूछ लेता है। एक बात समझ में आ गई, GEAC, पहली बात तो इसकी मिनिस्ट्री एकदम क्लियर होगी सर, बिल्कुल क्लियर होगी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। इसको चेयर कौन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो भी हो मिनिस्ट्री का, वो इसको चेयर करता है, और को चेयर होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। प्रेजेंटली इसके 24 मेंबर हैं एज ऑफ नाउ, और लगभग हर महीने एवरी मंथ ये मीटिंग होती है, इसकी रिव्यू करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस आई होती हैं, तो ऑलमोस्ट देखिए ये आपको मंथली मीटिंग करती नजर आएगी, मंथली बेसिस पे आपस में मिलते हैं। और यही जो कमेटी है, यही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है दोस्तों, यही रिस्पॉन्सिबल है हर एक अप्रेजल करने के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा GM क्रॉप को एनवायरमेंट में रिलीज करना है नहीं करना है, और ये रिसर्च इवैल्यूएट का काम भी यही करती है, अप्रूव करनी है रिसर्च को, डिसअप्रूव करना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेटी, काफ़ी पावरफुल कमेटी है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे दिमाग में। नंबर एक, सर GM क्रॉप्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हैं GM क्रॉप्स को लेकर के, फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, हमने किसी भी चीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों किया, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया उस किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को क्या बनाना है हमको, वी हैव टू मेक इट डिजीज रेजिस्टेंस। हम उसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं भैया वो उसकी प्रोडक्शन बढ़े, उसको डिजीज रेजिस्टेंट होगा, बीमारियों से फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जब एक पौधे को बीमारियां नहीं लगेंगी, ऑब्वियसली अपनी फुल ग्रोथ शो करेगा। जब वो अपनी फुल ग्रोथ शो करेगा तो आपको लगता है कि इट इज बाय डिफॉल्ट गोइंग टू गिव मी मोर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मेरे को बढ़ाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगी सेम उतने ही एरिया में, सेम एरिया में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आउटपुट ज़्यादा होगी, तो भैया क्या फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ाएगा, फार्मर्स को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, बिल्कुल पहुँचाएगा। पहले 100 टन प्रोडक्शन था, अभी 150 टन हो गया है, तो 50 टन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा ना। तो GM क्रॉप का सबसे पहला एडवांटेज यही है दोस्तों कि प्रोडक्शन को करता है इम्प्रूव, और प्रोडक्शन इंप्रूव होके फार्मर्स की होती है इनकम बेटर, नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। दूसरा एडवांटेज होगा, इट विल एक्चुअली रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। क्यों करना होगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुमने अभी नॉर्मली हम क्या करते हैं दोस्तों, नॉर्मली कीड़ा वीड़ा ना लग जाए तो नॉर्मली हम पेस्टिसाइड्स का इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं ना फार्मिंग में, है ना, वो दवाई छिड़कते हैं कीड़ा ना लगे। अगर आपने प्लांट ही ऐसा बना दिया, प्लांट को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, जब उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, है बहुत अच्छी बात है, हमारी फूड सप्लाई उतनी बेटर होगी, हमारे शरीर में देर विल बी लेस पॉइजनिंग, ये सुनो। आज हर चीज़ के ऊपर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लगा होता है तो भाई ये ह्यूमन हेल्थ को भी तो नुकसान पहुंचाते ना, तो ह्यूमन हेल्थ को ये कम नुकसान पहुंचाएगा, बिकॉज पेस्टिसाइड, और ऊपर से सब कितना अच्छी बात है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफकोर्स इट विल सेव लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा इनपुट कॉस्ट बचेगा ना, इनपुट कॉस्ट भी तो कम आएगा, बिल्कुल कम आएगा। पहले पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पे इतना पैसा खर्च करना पड़ता था फार्मर्स को, और वो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है फर्टिलाइजर का,
कहीं पे फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा डिमांड है, कहीं पे बिल्कुल कम डिमांड है ना, तो इस इन सब्सिडियों से हम बच जाएंगे, ओवरऑल इनपुट की कॉस्ट कम आएगी, तो बाय डिफॉल्ट जो खर्चा हम लोग करेंगे जीएम क्रॉप पे वो कंपनसेट हो जाएगा, ये भी एक फायदा होता है। अच्छा, दूसरी तीसरी सबसे बढ़िया बात क्या हो सकती है दोस्तों, रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जिस तरह से हमारे देश की हो रही है, किसी भी देश की, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो एक बात मुझे बताओ, जब आपकी जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो भैया पॉपुलेशन का मतलब क्या, ये नहीं होगा देयर विल बी डिमांड फॉर फूड, यस और नो? जितने लोग, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी क्या फूड की डिमांड नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। फूड की डिमांड बढ़ेगी तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के आउटपुट को ज़्यादा करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए तभी तो इतनी डिमांड पूरी करेंगे। और एग्रीकल्चर आउटपुट को मैक्सिमम करने के लिए क्या जरूरी है, मैक्सिमम यील्ड। इफ यू वांट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर आउटपुट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी यील्ड को बेटर बनाना पड़ेगा, और यील्ड बेटर कब बनेगी, जब आप क्या यूज कर रहे हैं, जीएम क्रॉप्स। तो देखिए सर, जीएम क्रॉप्स का संबंध आता है फूड सिक्योरिटी को लेकर के भी, अगर हम चाहते हैं हमारे देश में फूड सिक्योरिटी चीज लेके आना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और थोड़े एरिया में, यानी लेस लैंड मोर प्रोडक्शन। जीएम क्रॉप का सबसे बड़ा फायदा यही है दोस्तों कि बहुत ही कम जमीन में, बहुत ही लेस स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड में ना, ये एक्चुअली में प्रोड्यूस कर सकता है मोर आउटपुट, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। क्लियर, यस और नो? एडवांटेजेस में कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ। तो ये सब अब यहां से इसको जोड़ दो अपनी नए जीएम क्रॉप से, जीएम मस्टर्ड से जोड़ो। अब खुद सोच के देखो सर, जीएम मस्टर्ड आएगा तो क्या क्या फायदा लग रहा है आपको, इन्हीं के बेसिस पे बता दो। चलो चलो फटाफट एडवांटेजेस ऑफ जीएम मस्टर्ड क्या क्या हो सकता है भाई। मस्टर्ड का तो ऑयल है ना, सबसे फायदा तो क्या होगा हमारा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो कि एक एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल है तो इसका यूज हम कर सकते हैं अपने घर में कुकिंग वगैरह के लिए यूज करेंगे, ऐसा नो। अब वैसे भी आपको पता होगा कि इंडिया कितना ज्यादा ऑयल, एडिबल ऑयल का या वेजिटेबल ऑयल का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो बाय डिफॉल्ट हम बहुत सारा खर्चा बचाएंगे अपना, मस्टर्ड हमारा खुद का घर का होगा, ये सब फायदा होगा ना हम लोग को, ये आप देखिएगा, ऑयल प्राइस कम हो जाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ के फायदे हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या है सर, नुकसान भी है एक्चुअली में कई डिसएडवांटेज हैं, और डिसएडवांटेजेस को हम लोग आगे चल के कैटेगराइज भी कर देंगे। जीएम क्रॉप्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, जीएम क्रॉप्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी, अगर आप अलग अलग देखोगे ना। सबसे पहले तो समझो देर आर एनवायरमेंटल कंसर्न, इसमें कोई डाउट नहीं है बॉस कि एनवायरमेंटल कंसर्न तो हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप्स। इनफैक्ट बहुत सारे एक्टिविस्ट ऑलरेडी जो है इस क्वेश्चन को उठाने लगे हैं कि भाई जीएम मस्टर्ड को वापस लो, अप्रूव मत करो। जीएम क्रॉप्स के ऑलरेडी एनवायरमेंटल कंसर्न तो हैं, क्योंकि देखिए जीएमओ जो है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो आपने बनाया है ना, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, ऐसा ना। अब क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, उसकी ब्रीडिंग दूसरे क्रॉप से नेचुरल सिस्टम में, इट कैन रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ जेनेटिक कंटामिनेशन, और जेनेटिक कंटामिनेशन विल लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये क्वाइट पॉसिबल है। अगर मेरे पास एक क्रॉप है, देखिए ये क्रॉप, देखिए ये वाला क्रॉप जो है मेरा, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, और ये दूसरा प्लांट है, ये नॉर्मल नेचुरल है, ये जीएम क्रॉप नहीं है। लेकिन आप देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होगा, यानी कि जीएम क्रॉप के और नॉन जीएम क्रॉप के अंदर जब होगा, तो बाय डिफॉल्ट चांसेस हैं कि किसी ना किसी टाइप का जेनेटिक मैलफंक्शन, जेनेटिक कंटामिनेशन हो सकती है। तो लोग इस बात को लेकर चिंता में है, इस बात को लेकर चिंतित है कि भैया अगर ऐसा होने लगा तो हमारे वैरायटीज का क्या होगा, हमारी वैरायटीज का कहाँ जा करके क्या चीज़ें होंगी। नंबर वन पॉइंट, ये पहला एनवायरमेंटल कंसर्न। दूसरा एनवायरमेंट कंसर्न क्या है, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट इस बात पे लेकर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखो सर, बीटी कॉटन भी जो है, दे कैन हार्म नॉन टारगेट इंसेक्ट अफेक्टिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्योंकि बीटी कॉटन जो है वो आपके नॉन टारगेट इंसेक्ट को, सभी इंसेक्ट्स को इम्पैक्ट कर देता है। कई इंसेक्ट अच्छे भी होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, उनको भी टारगेट कर दोगे आप, ठीक है ना। तीसरा, जीएम क्रॉप्स जो है या जीएम टेक्नोलॉजी है जो पूरी, इट कुड ऑल्सो अलाउ द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर, ऐसा होगा, ये अलाउ करेगा, एक इसके जो जीन्स होंगे ना एक क्रॉप से दूसरे में जाएंगे, जिससे बन सकता है सुपर वीड।
सुपर वीड माइट बी इम्यून टू कॉमन कंट्रोल मेथड्स, और उसके लिए फिर आपको स्पेशल एफर्ट डालने पड़ेंगे। जब आपके जीन्स ट्रांसफर होंगे एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सुपर वीड्स की भी क्रिएशन हो जाए, जो अपने आप में चैलेंजिंग हो सकता है। एनवायरमेंटल कंसर्न समझ में आ रहे हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, अगर हम इन शॉर्ट नट ब्रीफ करें तो एनवायरमेंटल कंसर्न नंबर एक क्या है दोस्तों? हमारा पहला कंसर्न है दैट इज जेनेटिक कंटामिनेशन, नंबर वन। नंबर टू, ऑफकोर्स इट कैन हार्म द नॉन टारगेट, इंसेक्ट्स को भी टारगेट करेगा तो फर्टिलिटी पे इसका फर्क पड़ेगा। और तीसरा बड़ा कंसर्न है सुपर वीड्स पैदा करेगा, और सुपर वीड अपने आप में बहुत खतरनाक है, इसको तोड़ पाना बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, ये इतना ईजी नहीं होता, इसको तोड़ पाना इज नॉट दैट ईजी एट ऑल। ये तो हो गए एनवायरमेंटल कंसर्न। कुछ इकोनॉमिक कंसर्न भी हैं? जी हाँ, देर आर सर्टन इकोनॉमिक कंसर्न। जीएम क्रॉप आएगा, एक बार जीएम क्रॉप मार्केट में आए इसके अपने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो वीड क्या होती है, कोई बच्चा पूछ रहा है वीड्स क्या होती हैं, वीड्स क्या होती हैं, वीड होती है अनवांटेड प्लांट्स। ये मेरा मेन क्रॉप है, इस मेन क्रॉप के अंदर जो अड़ंगा बिना बात पे ग्रो कर गया, मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अपने आप नेचुरली वीड इज वेस्ट। ऐसे में सुपर वीड क्या होगा? सुपर वीड जो होगा वो मेन प्लांट, सुपर वीड होता है ऐसे ज्यादा बहुत ही मैसिव अनवांटेड प्लांट्स जो, अब देखो जितना ज्यादा ये ग्रास बढ़ेगी, अनवांटेड है मैं मानता हूँ, अनवांटेड है नेचुरली हो गई, पर ये रिसोर्स कॉम्पिटिशन तो करेगी ना भाई। अब जितना ज्यादा अनकंट्रोल्ड वे से सुपर वीड्स अगर ग्रो हो गए, ऑफकोर्स जो हमारे बीच में जो प्लांट्स हैं इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पॉइंट समझ रहे हैं सर अजय? सुपर वीड्स का कॉन्सेप्ट। दूसरा हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कंसर्न की, बिल्कुल इकोनॉमिक कंसर्न है, कोई इसमें डाउट नहीं है। बहुत सारे क्लेम्स हैं कि भैया स्ट्रेस टॉलरेंस, न्यूट्रिशन एंड हील्स, दे हैव एक्चुअली टर्न आउट टू बी फॉल्स इंक्लूडिंग इन इंडिया। ये देखो, ये जो अभी तक हमारा कॉटन का एक्सपीरियंस है क्या कहता है, कॉटन यील्ड इंडिया में स्टेग्नेट रही अराउंड 460 kg पर हेक्टेयर इन द रिसेंट पास्ट। बेशक हम लोग जीएम क्रॉप का इस्तेमाल करें, फिर भी कोई बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ। मोस्ट इम्प्रेसिव यील्ड ग्रोथ जो है एक्चुअली अचीव 2002 से 2006 के बीच में हुई थी, जहाँ पे जीएम क्रॉप्स ने अडाप्ट किया था एक मार्जिनल, मेन दूसरे वाले मेन थे। अब दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंसर्न यही है दोस्तों कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं जीएम क्रॉप्स पे, उतना आउटपुट ये दे नहीं रहे और ना ही उतना ज़्यादा हम लोग यूज़ कर पाए। और अभी अनफॉर्चुनेटली जीएम क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए आपको और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है ना, और ये आप पूरे नहीं मिलता तो आप इलीगली यूज़ करते हो, इलीगली भी इसका इस्तेमाल होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है कॉटन या बाकी चीज़ों को ग्रो करने के लिए, तो उसका बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक लॉस है, इनपुट कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ जाती है साहब। एक और प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉरपोरेट कंट्रोल ओवर फार्मिंग, ये तो हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी कॉरपोरेट का कंट्रोल आ जाए हमारे फार्मिंग के ऊपर, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, है ना, ये सारा कुछ पॉइंट ख़राब कर देगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे और भी डिसएडवांटेज हैं आपकी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एथिकल कंसर्न्स। पांच बहुत बड़े एथिकल कंसर्न्स हैं, ये एकदम, ये वाला पॉइंट आपका GS4 में काम आएगा बॉस, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जब कभी भी हम लोग किसी भी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर पांच सबसे बड़े एथिकल कंसर्न्स हैं, मॉरल डिलेमास हैं। नंबर एक, पोटेंशियल हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। देखो भाई, आज तक कोई नहीं जानता, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, किसी को नहीं पता कि अगर आज मैं कोई जीएम क्रॉप को खाऊंगा, अगर आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इफ आई एम गोइंग टू ईट, इसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, किसी को नहीं पता। अब अगर मान लीजिए आप लोग जीएम क्रॉप का कंज्यूम कर रहे हैं, जीएम क्रॉप को आप लोग खा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि उसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर होगा, कल को कैंसर कॉज करेगा नहीं करेगा, वी हैव नॉट स्टडीड येट। तो जीएम क्रॉप्स का क्या ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट होगा नहीं पता, बिग क्वेश्चन मार्क। ये भी हम लोग मान के चलते हैं कि भाई पोटेंशियली लॉन्ग टर्म में तो एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे। तीसरा पॉइंट मान के चलते हैं कि जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे, वो भी बिल्कुल होगा। इनफैक्ट अब एक ऐसा कॉम्पिटिशन आ जाएगा, मार्केट डिवाइड हो जाएगी, एक जीएम क्रॉप की मार्केट होगी, एक नॉन जीएम क्रॉप की मार्केट होगी, और बाय डिफॉल्ट जीएम मार्केट क्रॉप जो होंगे दे विल होल्ड ग्रेटर स्पेस इन द मार्केट, है ना। तो जीएम क्रॉप जो जो इस्तेमाल करेगा
वो ट्रेडिशनल वाले उतना कर नहीं पाएंगे। जीएम क्रॉप यूज करके मान लीजिए मैं 200 टन प्रोड्यूस कर रहा हूँ और नॉन जीएम वाले बेचारे 80 टन प्रोड्यूस कर पा रहे, तो बाय डिफॉल्ट जीएम क्रॉप को प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इससे नुकसान हो सकता है। उसके अलावा हम एक्सेसिवली कॉरपोरेट डोमिनेंस पे ही डिपेंड करते रह जाएंगे और कॉरपोरेट अपने हिसाब से हर चीज़ को चलाएंगे और फिर होता है आपका अननेचुरलनेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी भी नहीं क्लियर क्लैरिटी नहीं कि टेक्नोलॉजी का कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जाए इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, एक बार कन्फर्म कर दीजिए कि समझ में आ गया सर, फायदे भी समझ में आ गए और नुकसान भी समझ में आ गए। अगर थोड़ा सा एकदम से स्ट्राइक कर रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो अगर आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोग को, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, रीसेंट अप्रूवल ऑफ some GM crops in India, recent approval of some GM crops in India has once again, recent approval of some GM crops in India has once again started the age old debate over its advantage and disadvantage. ठीक है सर, you have to critically examine, critically इसको examine कर लीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, और ये आपको लिखनी है 250 words में लिखिएगा। नो, दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर GS 1, 2 and 3। 4 के लिए अलग से क्वेश्चन देंगे आपको, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो कहीं पे भी ये लिखा नहीं है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला रीसेंट अप्रूवल ऑफ सम जीएम क्रॉप, आपको पता है एक ही है, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन किसको रेफर कर रहा है, बाय डिफॉल्ट किसको रेफर कर रहा है, जीएम मस्टर्ड को रेफर कर रहा है। तो शुरू में ही ना ये क्लियर कर देना स्टैंड के सर, यहाँ पे रिसेंटली जीएम क्रॉप अप्रूव किया, किसने किया, GEAC ने किया, ये बात समझ में स्टार्टिंग में डाल देना। फिर आप वहीं से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ में, आप वहीं से स्टार्ट करना जो बताया था कि पहले लीगल प्रोविजन क्या क्या है वो बता देना, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो चीज़ें आप यहाँ पे बड़ा इजीली बड़ा आराम से बना सकते हैं, बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होकर के आए, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है अलग से कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे critically analyze the ethical issues, critically analyze the ethical issues related to GM crops and how are they addressed in Indian context? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको ना बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना है, आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव पे या एनवायरमेंटल पे नहीं जाना है, यहाँ पे लार्जली आप एथिकल इश्यूज पे बात करेंगे। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी चीजें मेंशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जब आप ये वाला आंसर करते हो, आपको क्रिटिकली एनालाइज करने को बोल दिया एंड दिस इज अ 200 word क्वेश्चन, ये स्पेसिफिकली 200 words का है, इसका रेलेवेंस 3 में है मगर ज़्यादा मेजर रेलेवेंस 4 में आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन कल को आ जाए ना, यहाँ पे भी जो आपकी अप्रोच होगी, सबसे पहले तो हो सके तो आपको कॉन्टेक्स्ट ही बताना पड़ेगा।
क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं? रिसेंटली इंडिया ने सो एंड सो क्रॉप जो है जीएम अप्रूव किया है। कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट बता देना। उसके बाद जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे मेजर फोकस मतलब जो 60-70% जो आपका आंसर रहेगा ना, उसमें आप एथिकल इश्यूज के बारे में बात करना, ठीक है। याद करो वो जो 5 पॉइंट अभी हमने बताए थे, उन्हीं 5 पॉइंट को आपको एलैबोरेट कर देना है। हर एक एथिकल इशू को आपको थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट कर देना है। मगर लास्ट में एक बात जरूर याद रख लेना, सिर्फ और सिर्फ एथिकल लिख के मत छोड़ देना। जब आप इसका आंसर लिखोगे ना, तो आंसर में मेक श्योर करना, चाहे दो दो लाइन लिख देना, एक एक लाइन लिख देना, मगर उसमें एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल, उसमें अदर कंसर्न डाल देना, अदर इश्यूज, अदर कंसर्न डाल के एक एनवायरमेंट और इकोनॉमिकल पॉइंट्स को भी आप साथ में ऐड जरूर करना। आपका फुल प्रूफ बनता है। आखिरी में आप जो है इसमें वे फॉरवर्ड क्रिटिकली एनालाइज करने को बोल रहे हैं ना, तो वे फॉरवर्ड भी आप इसमें जरूर लिखेंगे। इंपॉर्टेंट जो है आपकी बातें हैं, इन बातों को थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 न्यूज कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, मगर एक टॉपिक मेरे मन को बड़ा छू गया और मैं को लगा कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। इन अ स्पीच मिनिस्टर स्पोक टू केरलास डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये वर्ड अपने आप में ना, दिस वर्ड आई कैन क्लियरली सी कि हाँ यार ये है GS2 के लिए इंपॉर्टेंट, और इवन एसे राइटिंग भी यहाँ पे हो सकती है। वॉट डू यू मीन बाय द टर्म डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन? होता क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। ये स्पेसिफिकली केरला के कॉन्टेक्स्ट में है। केरला में आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है, यू नो, मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में, और काफ़ी सारा जो है एक पॉइंट चला हुआ है। फिलहाल बात स्पेसिफिकली करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म? इस टर्म को पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल से वर्ड्स में समझें, जब आप बात वर्ड यूज करते हो डेमोक्रेटिक एजुकेशन की, मतलब कि ऐसी एजुकेशन जो बिल्कुल परफेक्ट है, आइडियल है, जिसमें डेमोक्रेसी इज बोथ द गोल एज वेल एज मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं हर वो चीज पढ़ूं, मेरा एजुकेशन ऐसा हो, मेरा एजुकेशन का सिलेबस, एजुकेशन का बेस ऐसा हो जो मेरे को लेकर के जाए टूवर्ड्स द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। समझ में आ रहा है? मेरी एजुकेशन का गोल है, मेरा मकसद है, क्या मकसद है, कि मेरे को अपने अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंकलकेट करनी, मैं ऐसी शिक्षा लूँ, कम से कम मैं ऐसी पढ़ाई करूँ जो मेरे को थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाए। तो ये मेरा गोल भी है डेमोक्रेटिक बनना, और मेरा मीन्स भी है डेमोक्रेटिक वैल्यू अचीव करने के लिए भी। आपको कैसा रास्ता कैसा होना चाहिए, आपका वे होना चाहिए, वो भी आपका डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मैं डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज तक जाऊं, ये एजुकेशन का रियल पर्पस है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन विद इन अ कम्युनिटी ऑफ इक्वल, एज वेल एज यू नो वैल्यूज ऑफ जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज ऑफन स्पेसिफिकली इमेंसिपेटरी विद स्टूडेंट वॉइस बींग इक्वल टू द टीचर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड समझे। अब यहाँ पे एक तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि यार ये जो डेमोक्रेसी है, गोल भी है और मेथड भी है, समझ में आ रहा है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन जब जब आप ये वर्ड यूज करोगे, स्पेसिफिकली अभी रिसेंट टाइम में देखा होगा कि स्टूडेंट वॉइसेस, स्टूडेंट एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ते हो ना, चाहे वो GNU की बात हो या किसी भी और यूनिवर्सिटी की बात हो, आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से कि स्टूडेंट्स जो है काफ़ी एक्टिव हैं चीज़ों को लेकर के। दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव सीन। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन के अंदर हम एक बात और इंश्योर करते हैं कि एजुकेशन में डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, मगर साथ साथ एक सेल्फ डिटर्मिनेशन भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए शॉर्ट टर्म। और दूसरी खास बात ये दोस्तों कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन ऐसी हो जहाँ पे स्टूडेंट्स की जो वॉइस है, इट शुड बी एट पार विद टीचर्स वॉइस। मतलब टीचर भी बच्चों पे डोमिनेट ना करे, टीचर और स्टूडेंट्स एक सेम लेवल पे, सेम प्लेटफॉर्म पे आके नॉलेज एक्सचेंज करें। ये है आपका डेमोक्रेटिक एजुकेशन। और सोचिए सर, जब एजुकेशन डेमोक्रेटिक होगी, खुद सोच के मुझे बताओ, जब आप एजुकेशन को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, डोंट यू थिंक सो इट विल बी मोर इंक्लूसिव? जब डेमोक्रेटिक आपने कर दिया एजुकेशन को, तो क्या ज्यादा इंक्लूसिव नहीं होगा? ज्यादा इंक्लूसिव का मतलब सबका साथ सबका विकास टाइप, यस और नो? ज्यादा इंक्लूसिव होगा, ज्यादा इक्विटेबल होगा, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा,
शिक्षा में कम से कम बराबरी का अधिकार मिलेगा, ये डेमोक्रेटिक एजुकेशन की वैल्यू है। हमें क्यों चाहिए, व्हाई इंडिया नीड्स टू हैव ए डेमोक्रेटिक एजुकेशन, हो सकता है टॉपिक आ जाए एग्जाम में। बताइए सर क्या फायदे होंगे, क्या एडवांटेज होंगे अगर हम इंडिया में डेमोक्रेटिक एजुकेशन का मॉडल ले आते हैं। ये टॉपिक तो बढ़िया है, मजेदार लग रहा है, तो वन बाय वन करके इसके फायदे समझिए, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम। नंबर वन, जब डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम हम लोग अप्लाई करेंगे, वो भी पैन इंडिया अप्लाई करेंगे ना, तो नॉन अथॉरिटेरियन एजुकेशन सिस्टम्स क्रश हो जाएंगे, कलाप्स हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक एजुकेशन मीन्स सिस्टम वेयर चिल्ड्रन आर फ्री टू मूव अराउंड, दे कैन गो आउट, सिट व्हेनेवर दे वांट, एंड यू डोंट सी द टीचर ऑल टाइम अराउंड देम। देयर विल बी अथॉरिटी बट वॉन्ट बी अथॉरिटेरियन। बात समझे, हम अपने शिक्षा को ऐसा बनाएं जो लर्निंग बेस्ड हो, जो आउटडोर बेस्ड हो, सिर्फ इंडोर इंडोर नहीं। हम चाहते हैं हमारे आउटडोर बेस्ड लर्निंग हो बच्चों की, एक अथॉरिटी हो मगर अथॉरिटेरियन ना हो, डिक्टेटरशिप हम नहीं चाहते। ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी रिस्पेक्ट, टीचर जो होते हैं विल बी देयर टू गाइड, बट इट इज नॉट सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। चिल्ड्रन आर द रियल सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, दे कैन वर्क इंडिविजुअली, दे कैन वर्क इन स्मॉल ग्रुप, हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। एंड इसके अलावा देर इज नो वे ऑफ सिटिंग, द चिल्ड्रन कैनॉट बी व्यूड एज कंज्यूमर, एन एम्प्टी पॉट दैट द टीचर हैज टू फिल। एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, आप उसको टीचर सेंट्रिक मत कीजिए, हो ही नहीं सकता। देर इज नो नीड टू मेक इट टीचर सेंट्रिक, नहीं, टीचर सेंट्रिक कर दिया तो कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होगा, वो अथॉरिटेरियन हो जाएगा। अगर टीचर सेंट्रिक सिस्टम बनाओगे, वो हो जाएगा आपका इसके रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू नॉन अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ। तो टीचर सेंट्रिक नहीं चाहिए। हम अगर अपने एजुकेशन सिस्टम को चाहते हैं बनाना डेमोक्रेटिक, तो बहुत ज़रूरी, कैसा बनाएं डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमें उसको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट सेंट्रिक। काइंडली मेक इट स्टूडेंट सेंट्रिक। जब स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम चलेगा, तो बाई डिफॉल्ट एजुकेशन सिस्टम आपका डेमोक्रेटिक बन जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा अधिकार होंगे शिक्षा के। बस आज आज की बात है भाई, बस आज आज मैनेज कर लो, कल से नहीं होगी प्रॉब्लम। इट्स जस्ट फॉर टुडे, बस आज आज की बात है। फिर हम लोग जा रहे हैं आज वापस अपने लुधियाना, तो फिर वहीं से करेंगे, कल से प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ इस जगह की। बस एक लास्ट प्रॉब्लम है, आई थिंक दिस इज ओके नाउ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन होती है ना, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के दो मेन प्रिंसिपल होते हैं। डेमोक्रेटिक एजुकेशन टिका है दो बातों पे, चॉइस और कंट्रोल आर द टू मेन प्रिंसिपल्स। चॉइस किसकी चॉइस, स्टूडेंट की चॉइस टू हैव एबिलिटी टू हैव वन ओन एजुकेशनल पाथ। मैं अपनी मर्जी से एजुकेशनल पाथ को चूज करूं, अपनी मर्जी से लाइन स्ट्रीम स्टार्ट करूं, चूज करूं, दैट इज चॉइस। और कंट्रोल किसका, एबिलिटी टू डिसाइड How to approach major educational need? मैं कैसे अपने educational needs को पूरा करूँ, control, और मैं कौन सी stream choose करूँ, कौन सा education path choose करूँ, that is choice। तो याद रखना कि democratic education के choice और control दो important pillars हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि students को choice दीजिए, students को उनको खुद को control करने दो उनके अपने education career में। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ दोस्तों, दो चीज़ें हैं लाइफ में, देर आर टू थिंग्स इन लाइफ फॉर श्योर फॉर सर्टन, जो आपको हमेशा अपनी मर्जी से करनी चाहिए, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो आपको हमेशा अपनी मर्जी से करनी चाहिए, नंबर वन आपका प्रोफेशन, जो आपका मन करता है ना, जो आपका करियर है, जो भी आपका करियर है, आप अपने मर्जी से चुनिए, बिकॉज आपको सारी उम्र पूरी लाइफ उसमें बितानी है। प्रोफेशन आपकी मर्जी का होना चाहिए। और दूसरा है आपका लाइफ पार्टनर, इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा, आपका प्रोफेशन, आपका करियर और आपका लाइफ पार्टनर, दोनों चीजें हमेशा आपके मन की होनी चाहिए। अगर आपने दिल से दोनों को चूज किया है, तो कसम से यकीन मानिए चीजें आसान होंगी, क्योंकि करियर और लाइफ पार्टनर ऐसी चीजें हैं जो जिनसे तुमको एवरीडे तुम्हारे साथ है, ठीक है। अगर गलती से कोई कपड़ा किसी और की मर्जी से ले लिया, कोई बात नहीं, मत पहनो, नहीं अच्छा लगता, काम चल जाएगा। मगर करियर, प्रोफेशन, लाइफ पार्टनर दोनों को रोज रोज तुमको
एवरी डे तुम्हारा एनकाउंटर होगा, और इन दोनों में से कोई एक चीज़ तुम्हारे मन की नहीं होगी ना, तो लाइफ उतनी आसान सॉर्टेड नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स अपने पर्सनल ओपिनियन बता सकें, मीनिंगफुल चॉइस कर सकें, वो सॉल्व कर सके अपनी प्रॉब्लम को। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिखनी चाहिए कि किस तरह से बच्चे अपने करियर चूज करते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, क्या उनका पाथ होता है, बहुत ज़रूरी है। अगर यहीं पे आप कंपेयर करो अमेरिकन सिस्टम फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेटिक स्कूल सपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट राइट, बिल्कुल वहाँ पे अमेरिकन सिस्टम में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स के अपने राइट्स हैं, वो अपनी मर्जी से चूज करते हैं चीज़ें। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, एजुकेशन को डेमोक्रेटिक कर दो, नंबर वन। एक तो नॉन अथॉरिटेरियन बन जाएगी, नंबर वन। और दूसरा फायदा क्या है, फ्रीडम, दूसरा बेनिफिट आपको इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम होगा। तीसरा फायदा क्या होता है, व्हाट इज द थर्ड बेनिफिट अगर मैं बना दूं अपनी एजुकेशन को पूरा डेमोक्रेटिक, तीसरा फायदा क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। डेमोक्रेटिक एजुकेशन स्टूडेंट्स को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह देखती है। स्टूडेंट्स मेरे, दे आर नॉट लाइक पैसिव लर्नर्स, प्लीज अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स को। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट मतलब पैसिव लर्नर, तो बहुत बड़ी गलती है। स्टूडेंट्स कभी भी पैसिव लर्नर्स नहीं हो सकते। अगर सिर्फ पैसिव लर्नर हैं तो कभी भी लॉन्ग टर्म में उनको आप स्किल डेवलपमेंट में यूज नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स आर नॉट पैसिव लर्नर, स्टूडेंट्स आर रादर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ देयर लर्निंग, एंड दैट टेक इन टू अकाउंट देयर व्यूज, देयर हाउ दे ट्रीट ईच प्यूपिल, हाउ दे ट्रीट ईच अदर, ये सब चीज़ें हैं, उनके अपने स्किल, उनके अपने इंटरेस्ट, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। इसीलिए उनको उनका पाथ चूज करने दीजिए। दैट इज द थर्ड बेसिक फायदा, थर्ड बेसिक बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, बिकॉज इट इज़ नॉट लिमिटेड टू क्लास लेक्चर। सिर्फ एजुकेशन का मतलब चार दीवारों में पढ़ाए जाने वाला ज्ञान नहीं है, है ना, उससे बियॉन्ड है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्कूल ग्राउंड, उनके भी बियॉन्ड है। इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू लर्न सिविक पार्टिसिपेशन, स्किल्स इन क्रिटिकल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, कोलैबोरेशन, वर्किंग इन ग्रुप, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो सारी स्किल्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ऊपर से इसमें क्या होना चाहिए, एक मीनिंगफुल प्रैक्टिस कब होगी, जब आप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस लर्निंग होगी, सभी लोग मिल करके एज कम्युनिटी अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे बाय डिफॉल्ट। चौथा फायदा क्या होगा अगर एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया जाए, चौथा फायदा होगा हॉलिस्टिक लर्निंग का। आज देखिए, वी लिव इन इंक्रीजिंगली ग्लोबल सोसाइटी एंड वन इन विच नेशंस प्रोग्रेस डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ऑब्वियसली हम कुएं के मेंढक नहीं बन सकते ना, हम सिर्फ, हमें हमारे क्लास में टॉप नहीं करना है, हमारा लाइफ का मकसद सिर्फ एक कुएं का मेंढक बन के रहना नहीं है। कुएं के मेंढक से बहुत बहुत अच्छा है आप समुद्र का मेंढक बने, है ना। तो हमें देयर इज अ वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड आर बॉर्डर्स, और नाउ वी आर नॉट जस्ट इंडियन सिटीजन, वी आर ए ग्लोबल सिटीजन ऑल्सो। आज का जो टाइम है बॉस, हम लोग ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं, सो वी बाय डिफॉल्ट वी आर ग्लोबल सिटीजन। एंड बीइंग ग्लोबल सिटीजन, इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि हमें बाहर की दुनिया का अंदाजा हो। अगर आपने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, एक डेमोक्रेटिक एजुकेशन एक्चुअली में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू लर्न अबाउट, अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स एंड डेवलप कमिटमेंट टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग इनएलियेबल राइट्स फॉर ऑल। If it extends students' perspective on rights and responsibilities to consider those of others as well as their own, ये भी एक फायदा है। Holistic learning तब होगी जब democratic values को आप inculcate करवाएंगे। फिर आता है आपका equality। देखो बॉस, मैंने starting में कहा था कि democratic education एक बहुत बड़ा example है inclusive development का, और equity based learning का। Equality और inclusion तो दोनों चीज़ें by default होंगी। जो एजुकेशन डेमोक्रेटिक होगी, ठीक है, जहाँ पे टीचर लर्नर साथ में एज इक्वल काम करेंगे, इक्वली काम करेंगे दोनों। टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीचर अकेला या स्टूडेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे टीचर लर्नर इक्वल की तरह काम करेंगे। डेमोक्रेटिक एजुकेशन वो होगी जो बेस्ड होगी रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड केयर। बहुत ज़रूरी डेमोक्रेटिक एजुकेशन है ही वो, जो जहाँ पे आप देखोगे ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई प्री जुडाइसिस ना हो, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, टॉलरेंस होना चाहिए, केयर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वालिटी। फायदा नंबर सिक्स,
बेटर citizens. स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली लर्न टू कम्युनिकेट एज थॉटफुल citizen. हमको स्टूडेंट को क्या बनाना है, हमारा पर्पस क्या है, वी want टू मेक स्टूडेंट्स एज थॉटफुल citizens. है ना, ऐसे स्टूडेंट्स हमको बनाना है, ऐसे citizen हमको, उनको एक एक रैशनल citizen बनाना है जो डिस्कस कर सकते हैं स्कूल और कम्युनिटी इश्यूज को, जो पॉलिटिकल टॉपिक डिबेट को अंडरस्टैंड करें, आज के करंट अफेयर कंट्रोवर्सी को करें. क्योंकि आपको ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए ना जो सिर्फ बुकिश नॉलेज रखे, नहीं. वी वांट टू मेक आवर स्टूडेंट्स एज थॉटफुल सिटीजंस, वी वांट टू मेक देम रैशनल, वी वांट देम टू यू नो अप्लाई देयर ब्रेन इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. और वो कब होगा, जब आप उनको कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्सेज में लगाओगे. और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. डेमोक्रेटिक एजुकेशन में चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई भी हैं, सबको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के वी कैन एक्चुअली यूटिलाइज हमारा. देखो एजुकेशन का रियल पर्पस क्या होना चाहिए, मुझे सोच के बताओ. अगर मैं आपसे पूछूं भैया व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन, आप क्या बोलेंगे, कैन यू गिव मी द आंसर. ये पूरा जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन, क्या होता है रियल एजुकेशन का रियल पर्पस. अगर तुमको वन वर्ड वन लाइन में बात करनी हो, अगर तुमको एक लाइन में एक वर्ड में बताना हो कि सर ये पूरा पर्पस क्या है एजुकेशन, शिक्षा का मेन मकसद क्या है, तो क्या आंसर होगा सर, व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन. वेरी सिंपल आंसर, रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू बी बेटर सिटीजन, एज सिंपल एज दैट. मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं अच्छा नागरिक बनूं, मैं अपना हर कर्तव्य अच्छे से निभाऊं, यही तो है रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन, येस और नो. सो डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज एक्चुअली हैज द पोटेंशियल टू मेक बी ए बेटर सिटीजन. डिसीजन मेकिंग, स्टूडेंट्स इन अ वे गेट ट्रेन्ड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि लाइफ में डिसीजन मेकिंग एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है आपके माइंड का, ब्रेन का, कॉग्निटिव स्किल्स का. एक सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है डिसीजन मेकिंग. बहुत जरूरी है आपने जिंदगी में किस मोड पे क्या फैसला किया, किस मोड पे क्या फैसला किया, ये डिसाइड करता है आपके आने वाली कई सारी जिंदगी है, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, अगर स्टूडेंट्स को आप डिसीजन मेकर्स नहीं बनाओगे. देखो डिसीजन सही हो गलत हो वो टाइम बताता है, पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है. गुड और बैड वो एक सेपरेट बात होती है, सेपरेट डिस्कशन होता है, उसका इवैल्यूएशन कुछ बाद में कर सकते हैं. मगर आपको अपने लोगों को डिसीजन मेकर, और डिसीजन मेकिंग कैसे आएगी, जब आपके बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे. आप मुझे एक बात बताइए, डिसीजन मेकिंग कहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जगह तो इंपॉर्टेंट है. करियर बिल्डिंग से लेकर के प्रोफेशनल स्किल, पर्सनल स्किल, हर जगह पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन मेकिंग हर छोटी छोटी एवरीडे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, राइट, इजंट इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी जो बेनिफिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है डेमोक्रेटिक एजुकेशन का, वो है स्टूडेंट ऑनरशिप ऑफ द एजुकेशन. व्हेन पीपल ऑन देयर चॉइसेस, दे आर मोर एंगेज्ड इन मेकिंग दोज चॉइसेस वर्क टू देयर ओन बेनिफिट एंड गुड. व्हेन चॉइस इज पुश्ड ऑन अ पर्सन विदाउट कंसेंट, पर्सन डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ ऑनरशिप. मतलब कि अगर आपको डेमोक्रेटिक एजुकेशन मॉडल से पढ़ाया जाए, आप अपनी चॉइस से चीजें पढ़ें, अपनी मर्जी से पढ़ें. एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखो, आप लोग यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है, इफ इट इज योर ओन चॉइस, तो कभी भी आपको यूपीएससी एग्जाम पढ़ने में आप बोर नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप इनफैक्ट यू विल बी एट योर बेस्ट. नो, यू विल बी एट योर बेस्ट. अगर तुम्हारा खुद का डिसीजन है कि नहीं मेरे को करना है यूपीएससी का एग्जाम, तुम उस पर 110% एफर्ट मारोगे. अगर तुमको जबरदस्ती बोल दिया कि बेटा करो यूपीएससी तैयारी, तो क्या कभी भी तुमको वो अंदर से एफर्ट आएंगे, नहीं आएंगे. तो अगर स्टूडेंट को रियल में सक्सेस चाहिए, है ना, अगर आपको स्टूडेंट को मजा लेना है अपनी एजुकेशन का, रियल में सक्सेस चाहिए, तो सेंस ऑफ ऑनरशिप कब आएगी, जब एजुकेशन डेमोक्रेटिक होगी, अपनी मर्जी से बच्चे चीजें चूज करेंगे. कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, देखिए बॉस, वी आर स्टक इन व्हाट वी कॉल ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर लास्ट 200 ईयर. कम से कम पिछले 200 सालों से हम इस सो कॉल्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. सो इट रिक्वायर द कल्टिवेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वर्चूज टू अचीव डेमोक्रेटिक सिस्टम. बहुत जरूरी है ना, आज हमको डेमोक्रेटिक वर्चूज को कल्टिवेट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कल को
डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अचीव करना। और इंडिया तो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो होना ही डेमोक्रेटिक चाहिए। वो एक वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट होगी हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो डेमोक्रेटिक एजुकेशन किस बात को रिकॉग्नाइज करती है? एबिलिटी टू इमेजिन आर्टिकुलेट अ मिनिमली कॉमन गुड रिक्वायर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज गुड बैड फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आपको डेमोक्रेटिक एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, दैट टॉपिक इज क्लियर। और ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत टॉपिक भी बहुत नया है बॉस। इससे पहले हमने डेमोक्रेटिक एजुकेशन को नहीं पढ़ा हुआ शायद। तो ये टॉपिक आपका क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए जरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन what benefits India can reap from such approach? You have to discuss. बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है। यू कैन राइट इन सिंपली 200 words। ये 10 marker में दे रहा हूँ, 10 marks का क्वेश्चन लिखने की ट्राई करना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2। हाँ जी सर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। येस, देखो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, उन टॉपिक्स को आपको बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा। UPSC की डिमांड ऐसी कि आपको फैमिलियर होना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। दो क्वेश्चन, दो टॉपिक हो गए। अच्छा, दो टॉपिक अगर क्लियर हो गए हैं तो भैया पहले तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। और एंड में, आखिरी में एक चीज़ और करनी है बॉस। जितना भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, आखिरी में सभी बच्चों को मैं हर बार बोलता हूँ कि फीडबैक जरूर देना, ठीक है? फीडबैक जरूर देना। हम जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ का जरूर मुझे इस बात का जो है बताना। आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंसुलेट अर्बन पुअर फ्रॉम क्लाइमेट शॉक्स। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा मेजर फोकस होना चाहिए। हम सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, कि आज बहुत बड़े लेवल पे हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। और इस क्लाइमेट चेंज के 1000 प्रॉब्लम है इसके साथ में, हम सब जानते हैं। टॉपिक आया था 22 अक्टूबर को, लिखा था कि क्यों जरूरी है हमारे अर्बन पुअर को। अर्बन पुअर कौन? वो गरीब लोग जो शहरों में रहते हैं। अर्बन पुअर्स को बचाना बहुत जरूरी है इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट शॉक्स है, ये सबसे ज्यादा अर्बन पुअर आर प्रोबेबली द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। अब ये क्यों है मोस्ट वल्नरेबल, इसके ऊपर जरा चर्चा करते हैं। दोनों चीजों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज हमारे सामने बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप देखिए ना, कहीं पे फ्लडिंग है, कहीं पे ड्रॉट है, कहीं पे हीट वेव्स है। ये दुनिया भर के जितनी भी एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट क्राइसिस है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना बनता जा रहा है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहर, हर साल इनमें फ्लडिंग आती है, ठीक है? इसके अलावा आप देखते हो नॉर्थ इंडिया मोस्टली हीट वेव्स की प्रॉब्लम आती है, कहीं पे प्रॉब्लम आती है, फिर आपकी ड्रॉट की प्रॉब्लम आती है। तो जितने भी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, अनडाउटेडली इस बात में आप मानोगे सर कि जो भी क्लाइमेट चेंज है सबसे ज़्यादा किसको हिट करता है? ऑफ कोर्स जो सबसे गरीब है, जो पुअरेस्ट है और मोस्ट वल्नरेबल है ना। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज भी गरीबों को ज़्यादा परेशान करता है, अमीरों को कम परेशान करता है। बिकॉज जो रिच हैं वो अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है। जो सबसे गरीब, सबसे वल्नरेबल वही बनता है बेचारा, जिसका सबसे पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, इट्स प्रोबेबली द वर्स्ट टू बी हिट बाय क्लाइमेट चेंज। आज आप देखिएगा लगभग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप देखिए लगभग 50% दुनिया की जो जनसंख्या है पूरे दुनिया में, वो शहरों में रहती है। लगभग ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन शहरों में है। और अर्बनाइजेशन तो अभी और भी बढ़ रहा है, और भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं
तो 2011 का सेंसेक्स बोलता है कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन रेट है दैट इज 31%, ये इंडिया का अर्बनाइजेशन का रेट है 31%, आज हमारा अर्बन एरिया से 69% है। स्टडीज बोलती है कि दिस विल बिकम 50% बाय 2050, 2050 तक आते आते आधा हिंदुस्तान 50% इंडिया शहरों में बस जाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगले 20-25 साल कितने क्रूशियल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। अब ऐसे में जहां पे रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ने से नंबर ऑफ अर्बन पुअर भी बढ़ रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात समझो, शहरों में गरीब क्यों है? अब आप बोलोगे सर शहरों में गरीब क्यों होते हैं, शहरों में तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। भाई एक बात बताइए, डिमांड और सप्लाई का तो मिसमैच है। आप एक शहर में आते हो, ठीक है, आप गांव में रहते थे, आपको लगा कि यार मैं शहर में जाऊंगा तो मेरे को अच्छा काम मिल जाएगा, गांव में से आप शहर में आ गए, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो गया। शहर में आपने देखा कि यार ढंग से काम ही नहीं मिल रहा, काम बहुत डिमांडिंग है या आप पूरा नहीं कर पा रहे, जो भी प्रॉब्लम है। तो जो रियल और परसेप्शनल गैप होता है, आप सबको लगता है कि शहर, चलो शहर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मगर कोई आप अपॉइंटमेंट लेटर लेके थोड़ी ना आते हैं। आप शहर में आए कोई अपॉइंटमेंट लेटर थोड़ी कि आते काम मिल जाएगा, जितने समय आपको ढंग का काम नहीं मिलता आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, जिस वजह से अर्बन एरियाज में पुअर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूँ, कंट्री लाइक इंडिया एंड अदर इंडिया लाइक कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, और यही अर्बन पुअर आगे चल के क्या बनाते हैं, जो पूरा अर्बन एरियाज में स्लम्स देखे ना, जितने भी झुग्गी झोपड़ी हैं, जो स्लम्स हैं, वो अर्बन पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और यही अर्बन पुअर जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये जिन एरियाज में लोकेटेड होते हैं, क्योंकि देखो भैया शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, मानते हो इस बात को, आप अर्बन एरिया में रहने के लिए आए हो, अर्बन एरिया में यू हैव अ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत भयंकर कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो अर्बन लोग, अर्बन पुअर कहाँ रहते हैं, ऐसे एरियाज में रहते हैं जो थोड़ा सस्ता हो, थोड़ा चीप लोकेशन हो, और वही जहाँ पे उनके घर है ना, वही मोस्ट लाइकली फ्रीक्वेंट लोकेशन होती है हैजार्डियस एरिया में। मतलब अर्बन पुअर उन एरियाज पे रहते हैं मजबूरी में जहां पे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का असर होता है। तो यहां से एक बात जरा रिलेट करने की कोशिश करें कि सर क्लाइमेट चेंज और अर्बन पुअर क्या रिश्ता है, और क्लाइमेट चेंज कैसे कैसे अर्बन पुअर को अफेक्ट करता है। ये टॉपिक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इस बार क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आए तो अर्बन पुअर का क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अर्बन पुअर का क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी बहुत टाइम से अर्बन पॉवर्टी को टैकल कर रहा है, अर्बनाइजेशन को टैकल कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है ना, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के जो हमारे ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आप में से कितने कितने लोग हैं जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना, फिर आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल कुछ सोचता हूँ, कुछ बनाता हूँ प्रोग्राम वगैरह, क्योंकि मैं भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है मेरा भी मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता भी हूँ, और अभी मैं जब एग्जाम दूंगा तो मैं अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल भी दोबारा से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर किसी भी बच्चे को ज्योग्राफी ऑप्शनल में प्रॉब्लम आए तो मुझे स्ट्रेट अवे कॉन्टैक्ट कर लेना, बिना किसी परेशानी, बिना किसी हेजिटेशन के, राइट। ज्योग्राफी ऑप्शनल का हर बच्चा कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझे जब मर्जी उसका मन करे। अच्छा जी, अब अर्बन एरिया, अर्बन पुअर और क्लाइमेट चेंज को जरा रिलेट करते हैं। देखो क्लाइमेट चेंज क्या करता है, मेक द मोर प्रोन टू डिजास्टर, ये बात सही है। जितने भी गरीब लोग हैं, पुअर लिविंग है, वो कहाँ रहते हैं, मोस्टली स्लम्स में, और स्लम एरियाज उन जगहों पे बनते हैं जो ऑलरेडी बहुत हाई रिस्क होते हैं। क्लाइमेट चेंज होगा, उसका कोई भी एक्सट्रीम इवेंट होगा, सबसे पहला असर इन स्लम्स पे पड़ता है। दे लिव ऑन द मोस्ट वल्नरेबल लैंड विद इन द सिटीज, टिपिकली एरियाज जहाँ पे अनडिजायरेबल, बाकी लोग नहीं रहते वहीं पे स्लम्स बसती हैं, राइट, क्योंकि वो अफोर्डेबल होती हैं, सस्ती होती हैं, मगर सस्ती के साथ साथ दे आर मोस्टली एक्सपोज टू इम्पैक्ट, लाइक वहाँ पे हो सकता है लैंड स्लाइड हो, वहाँ सी लेवल राइज हो जाए, वहाँ फ्लडिंग बार बार आती हो, ये सब चीज़ें हैं जो अर्बन पुअर को क्या कर देता है, मेक्स देम मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, समझ में आ रहा है। क्योंकि स्लम्स बनते उन एरियाज में हैं जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ी वल्नरेबल होती है। दूसरा कारण क्या है क्लाइमेट चेंज का, दूसरा इम्पैक्ट क्या है अर्बन पुअर पे, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एक बात सोच के देखिए, कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, कहीं पे फ्लडिंग आ गया, ड्रॉट आ गया, हीट वेव आ, कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ भी एक्सट्रीम वेदर होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट कोई भी हो जाए, सबसे पहले क्या होता है, वर्क डे काम रुक गया,
लाइवलीहुड रुक गई, क्रिटिकल इकोनॉमिक एसेट हाउसिंग। देखो सोच के बताओ, एक चीज़ ज़रा देखिए, मान लीजिए आप एक डेली वेजर है, ठीक है, आप एक अर्बन पुअर है, आप एक अर्बन पुअर है, आप क्या करते हैं साहब, आप डेली वेजर हैं, आप डेली वेज पे काम करते हैं, बोले भाई रोज़ का 400 रुपये की दिहाड़ी पे मैं काम करता हूँ। मान लीजिए आपके एरिया में फ्लड आ गया, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई या ड्रॉट आ गया, कोई भी समस्या आ गई और आपकी साइट पे काम बंद हो गया। सोच के देखिए कि आप तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, अगर 20 दिन भी 20 डेज फॉर एग्जांपल आपका काम बंद हो गया, आप जिस साइट पे आप काम करते हो वो ड्यू टू एनी क्लाइमेट डिज़ास्टर वो बंद हो गई, तो क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये 20 दिन जो आपका काम नहीं हुआ, यू विल बी द हार्डेस्ट टू गेट हिट, आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, आपका खर्चा कैसे चलेगा? अगर 10, 15, 20 दिन काम नहीं मिला तो आपका तो लाइवलीहुड ही खत्म हो गया एक तरह से। तो यू विल बी द वर्स्ट टू गेट इम्पैक्टेड। हुआ क्लाइमेट चेंज है, मगर क्लाइमेट चेंज से तुम्हारी लाइवलीहुड पे असर पड़ गया, जिससे तुम्हारे सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन तुम्हारे सामने आ गई, सोशो इकोनॉमिक इशू तुम्हारे सामने आ गया। तीसरा समस्या हो सकता है लॉस ऑफ हाउसिंग एंड एसेट। बिल्कुल, जो भी आपके हाउसिंग है, एसेट्स हैं, बहुत बार देखिएगा सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग फ्लड्स, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। पूरा फ्लड आई, बाढ़ आई, आपका पूरा का पूरा घर बह गया, घर टूट गया, इतनी मुश्किल से तुमने घर बनाया था, तुमको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा बहुत सारा सामान, ज़रूरत का सामान वो चला गया, उसको कैसे कैसे बार बार जोड़ोगे? और ऊपर से देखिए इन एरियाज़ में ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, सर्विसेज होती नहीं है, ऑलरेडी पुअर हेल्थ है, बहुत ही अनसेफ हाउसिंग है। अगर आप घर बनाते भी हैं तो आप किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे? आपको लगता है आप प्रॉपर पक्के घर बनाएंगे? अर्बन पुअर कैसे घर बनाएंगे? प्रॉपर कोई साइंटिफिक तरीके से रॉ मटेरियल कैसे यूज़ करेंगे? लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे ना, तो कच्चे घर बनते हैं, बहुत पक्के घर तो बनते नहीं है ना, ये सारी प्रॉब्लम जो और ज़्यादा आपको वल्नरेबल बना देती हैं चीज़ों का। चौथा आप देखेंगे डिलेड रिस्पॉन्स, जितना ज़्यादा लेट गवर्नमेंट या रेस्क्यू टीम आपको रिस्पॉन्ड करेंगी उतना भी नुकसान किसको हो रहा है, जितना ज़्यादा डिले लेट होगा। और उसमें भी देखिए, अगर आप प्रायोरिटी देखोगे ना, पहले लगभग जो आपके जो अर्बन एरियाज के अपर क्लासेस हैं, एक अपर इकोनॉमिक क्लासेस, उनको पहले बचाया जा रहा है, मोस्टली ऐसा होता है। जितना भी डिलेड रिस्पॉन्स होता है उतना ज़्यादा और ज़्यादा इम्पैक्ट आता है अर्बन पुअर पे। अच्छा, इनके पास बेचारों के पास खुद की बहुत रेजिलियंस भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती। अब सोच करके देखो, अगर मेरे पास 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक महीने में 1,000 रुपये सेव कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, भाई ये 1,000 रुपये मैं अपनी हेल्थ पे लगाऊंगा, एजुकेशन पे लगाऊंगा, या अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट करने में लगाऊंगा? खुद सोच के बताओ, अपने घर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाऊंगा एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फूड पे, जब जहाँ मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वहीं पैसा लगेगा ना। तो जानते हुए भी कि भैया यहाँ पे खतरा है, उसके बावजूद भी हम ज़्यादा इस चीज़ पे पैसा खर्च नहीं कर सकते। ये तो बात होगी रियलिटी की, क्लाइमेट चेंज जो है ज़्यादातर अर्बन पुअर्स को बहुत वल्नरेबल बना देता है, और अर्बन पुअर मोस्ट वल्नरेबल है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। दिस इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट वी हैव डन। व्हाट कैन बी डन टू शील्ड अर्बन पुअर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज? तो क्या किया जाए, ऐसा क्या करें कि अर्बन पुअर को क्लाइमेट चेंज से बचा सके? अब इसके ऊपर काम करते हैं, इस पॉइंट पे काम करते हैं। देखो, सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इंश्योरेंस की, बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। एक आता है डिज़ास्टर इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, अभी जो हमारी बुक आने वाली है डिज़ास्टर इंश्योरेंस, अभी आपको पता है, आई होप आपको पता होगा, मेरी नई बुक आने वाली है, माई नेक्स्ट बुक इज़ गोइंग टू बी रिलीज वेरी सून, अभी इस पर चल रहा है काम। तो जो अगली बुक मेरी आएगी दैट इज़ बेस्ड ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, मेरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। ऐसी किताब तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी, कहीं नहीं पढ़ी होगी, पूरा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने इतने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर किए हैं ना, इस बुक को जो भी बच्चा इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बुक को पढ़ेगा वो आराम से GS 1 के, GS 3 के, एनवायरमेंट के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ओवरलैप है 2-3 सब्जेक्ट के साथ में। इस पॉइंट को आप ज़रा समझिएगा। नाउ, इंश्योरेंस स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अर्बन पुअर को क्लाइमेट चेंज से बचाने का, बिकॉज जब आप इंश्योर्ड हो जाते हो तो आपकी रेजिलियंस बढ़ जाती है हाउस होल्ड लेवल पे। देर आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट कवर बोथ हाउस एंड हाउस होल्ड एसेट।
बट नॉट मेनी पीपल अवेल देम. अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग करवाते नहीं है, मगर ऐसी पॉलिसीज हैं जहां डिजास्टर के अगेंस्ट आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं. राइट नाउ द स्टेट मे हैव टू इंटरवीन फॉर दैट. ऑफकोर्स यहाँ पे सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा टू एड्रेस द नीड ऑफ दोज विद द लोएस्ट परचेसिंग पावर. क्योंकि देखो कोई भी इंश्योरेंस होता है उसका प्रीमियम जाता है. अब इंश्योरेंस स्कीम तो लेना चाहते हैं मगर सब प्रीमियम कहाँ से भरेंगे. आप मुझे बोल रहे हो हर महीने 500 रुपये आपका प्रीमियम जाएगा, मेरे पास नहीं है 500 रुपये देने के लिए. प्रधानमंत्री गृह बीमा योजना, हाउसिंग इंश्योरेंस था फॉर द पुअर, मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द लाइन्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. एक आइडिया है कि जैसे हमने फसल बीमा योजना किया तो क्या हमारा गृह बीमा नहीं होना चाहिए. गृह बीमा मीन्स हाउस इंश्योरेंस, तो क्या हमारा हाउसिंग का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए. तो ये एक आइडिया है जिसको मोबिलाइज कर सकते हो कि लोगों के एसेट्स, लोगों के घर. क्योंकि देखो भाई सबसे बड़ा नुकसान होता है उन गरीब लोगों को जिनका घर और सामान बर्बाद हो जाए ऐसे डिजास्टर में. उनको दोबारा बिल्ट अप करने में बहुत समय लग जाता है और इस पूरे प्रोसेस में उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. दूसरा तरीका हो सकता है मिनिमाइजिंग द रिस्पॉन्स टाइम. ये भी एक अच्छा तरीका है. तो भाई जैसे ही डिजास्टर हुआ, डिजास्टर होने में जैसे ही क्लाइमेट रिस्क आया और एक्चुअली में कितना फास्ट आपने एक्शन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको आप मिनिमाइज कर दो. आप रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये नहीं सिर्फ आपको बचाना है, रिस्पॉन्स टाइम में बहुत कुछ है. रिस्पॉन्स टाइम में आपको उनको, चलो आप यू हैव टू रेस्क्यू देम ऑल्सो, आप रेस्क्यू भी जल्दी करें. रेस्क्यू के अलावा सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, रेस्क्यू के बाद इंपॉर्टेंट आता है रिहैबिलिटेट. उन लोगों को जिनको बचा रहे उनको रिहैबिलिटेट भी करना है ना. तो जिसको जो क्लेम है उन प्रोसेस को सिंपल करो, लोग जल्द से जल्द अपने इंश्योरेंस क्लेम ले सके, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दो, जल्द से जल्दी उनको पैसा दो ताकि वो अपने आप को संभाल सके, उनको इम्पॉर्टेंट सप्लाईज दीजिए. तो जितना क्विक एक्शन होगा, रिहैबिलिटेशन और रेजिलियंस दोनों दे गो बोथ हैंड इन हैंड. तीसरा तरीका क्या है, आप इंटीग्रेटेड इंटरवेंशन कीजिए. जो कुछ एक स्पेसिफिकली की एरियाज हैं दोस्तों जहाँ पे अर्बन पुअर्स को रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, अर्बन पुअर की कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा. देखो बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ आपकी कैपेसिटी पुअर है वहीं पे आपका डिजास्टर हो जाता है. ठीक है, दो चीज़ें समझो. अगर आपकी अपनी कैपेसिटी है कम और रिस्क है ज़्यादा, जहाँ कैपेसिटी कम रिस्क ज़्यादा वहीं होते हैं डिजास्टर्स. ये एक लाइन याद रख लेना, कैपेसिटी कम है रिस्क ज्यादा है तो डिजास्टर होगा ही होगा. तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, लगभग 6 ऐसे पॉलिसी एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा टू बिल्ट अप द कैपेसिटी ऑफ अर्बन पुअर, उनकी सोशल प्रोटेक्शन, उनकी पब्लिक हेल्थ, उनकी लाइवलीहुड, उनकी हाउसिंग, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग. ये 6 पॉलिसी, ये 6 एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा. सोशल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड, हाउसिंग, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग. और ये भी अलग अलग स्केल पे, ये हाउस होल्ड लेवल पे भी करना पड़ेगा, कम्युनिटी लेवल पे भी करना पड़ेगा, सिटी लेवल पे भी करना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ना. और इसमें 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, केपेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस करनी होगी. क्लाइमेट एंड अर्बन डेटा काम आएगा, क्लाइमेट डेटा अर्बन डेटा को यूज कीजिए इन अलग अलग लेवल पे प्लानिंग करने के लिए. क्लाइमेट अर्बन फाइनेंस बहुत जरूरी है, दैट नीड्स टू पुट टू इंश्योर जो भी प्रो क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस सॉल्यूशन हम लोग बना सकें. और ये 6 एरियाज को आप इग्नोर नहीं कर सकते. ये 6 पॉलिसी एरिया जो अभी हमने बात किया ये एकदम प्रायोरिटी एरियाज हैं बॉस. अगर ये आपने कर दिया, अगर आपने, देखो सुनिए वही बात होगी, अगर आपने कैपेसिटी बिल्टअप कर दी, किसी चीज से लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, क्लाइमेट का रिस्क उतना कम हो जाएगा. रिस्क कम हो गया तो बाय डिफॉल्ट जो है डिजास्टर्स को भी आप अवॉइड कर सकेंगे. हम नहीं चाहते डिजास्टर आने के बाद रिस्पॉन्स करें. देखो पहले क्या होता था, पहले ना हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले हमेशा सोचते थे कि पहले डिजास्टर होगा फिर उसको मैनेज करना है. नहीं, आज के टाइम पे प्री प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग भी है, पोस्ट भी. आज आप देखोगे ना तो डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल बदल गया है. डिजास्टर होने से पहले, ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर, ये तीनों कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है. और क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज और अर्बन पुअर को उनसे बचाने के लिए, डेटा कैप्चरिंग, डेटा शेयरिंग बहुत जरूरी है. सैटेलाइट्स का यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, पता होना चाहिए आपके पास, डेटा होना चाहिए,
कहाँ फ्लडिंग आ सकती है, कौन कौन से एरियाज वल्नरेबल हैं। अगर ऐसे डेटाबेसेस आपके पास होंगे तो ऐसे डेटाबेस के जरिए आप क्या कर पाएंगे, आप एटलीस्ट अर्ली वार्निंग तो दे पाएंगे, लोगों को पहले इन्फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये डेटा शेयरिंग एंड ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी डेटा को आप कल को इंश्योरेंस क्लेम्स को सेटल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है लोकल गवर्नमेंट का रोल। जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी डिजास्टर प्लानिंग से लेकर के डिजास्टर मैनेजमेंट में, कोई फायदा नहीं होने वाला। सिटी गवर्नमेंट्स दे आर ड्राइवर्स ऑफ एड्रेसिंग द रिस्क अनडाउटेडली, बट लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जिसको हम टीयर थ्री लेवल कहते हैं, जहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटीज आ गई शहरों के केस में, पंचायती राज आ गई गाँव के केस में, जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं, ये बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती हैं अर्बन पुअर को रेजिलियंस प्रोवाइड करने में। जितने सिटी ऑफिशियल्स हैं ये ऐसे रेजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं बाय मेन स्ट्रीमिंग रिस्क रिडक्शन इन अर्बन मैनेजमेंट। जब कभी भी अर्बन प्लानिंग होती है, अर्बन मैनेजमेंट होती है, उसमें रिस्क रिडक्शन को मेन स्ट्रीम कर दीजिए, यानी कि हर एक अर्बन प्लानिंग का एक सेंटर पॉइंट रख दीजिए। भाई हर अर्बन प्लान डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको हम DRR भी बोलते हैं, वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम करेगा। बिना डिजास्टर को काउंट किए, बिना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के कोई अर्बन प्लानिंग नहीं होगी। आप ये डिक्लेयर कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना, अपने डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना, दोनों चीज़ें बड़े आराम से आप कर पाएंगे और वो भी सस्टेनेबल तरीके से कर पाएंगे। ज़रूरी है आप इंटीग्रेट करो। किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, अर्बन प्लानिंग को और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को। जैसे मैंने बोला, बिना DRR के अर्बन मैनेजमेंट करेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस चीज़ के लिए करने के लिए भी हालांकि एक मेजर चैलेंज इसमें आता है, लोकल गवर्नमेंट के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि दे डोंट हैव इनफ फंड्स, दे आर ऑलवेज हैविंग दे डोंट हैव फाइनेंसेस, इनके पास पैसा नहीं होता। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सपोर्ट इनको दिया जाए। ऊपर सेंटर हर चीज़ सेंटर नहीं कर सकता, सेंटर स्टेट्स को पैसा दे, स्टेट जो है आपके लोकल गवर्नमेंट को पैसा दे, ये बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमने 3-tier गवर्नमेंट चूज़ किया है ना, पर लोकल का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। फाइनल कंक्लूजिंग स्टेटमेंट क्या होगी, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगी, तो कंक्लूजन यहाँ पे ये कि सफिशियंट रिस्पॉन्स एंड सिनर्जीज बिटवीन स्टेट पॉलिसी इंपेरेटिव्स एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री आर एक्चुअली नेसेसरी फॉर ईजिंग वल्नरेबिलिटीज ऑफ द पुअर। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी है, पार्टनरशिप कीजिए, स्टेट और इंडस्ट्री के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि टाइमली रिस्पॉन्स हो सके क्लाइमेट कैलेमिटीज़ का। और अर्बन पुअर को बनाना होगा रेजिलियंट। जब तक हम अर्बन पुअर की कैपेसिटी को बिल्टअप नहीं करेंगे, अर्बन पुअर के रेजिलियंस को बिल्टअप नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली गेट द रिजल्ट फॉर दैट। तो ये था आपका टॉपिक, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ में मैं रिकमेंड, अभी एडवांस में रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को कि मेरी डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक आएगी, उसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट से लिख लीजिए आज का क्वेश्चन नंबर चार क्या होगा। What makes urban poor most vulnerable to climate change? What makes urban poor most vulnerable to climate change? What needs to be done for their capacity building in disaster risk, for their disaster risk reduction? क्वेश्चन समझ में आ गया, सो यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड ये आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, सो दिस यू हैव टू राइट इन 250 words। ये वाला तो आप 250 word 250 words में लिखिएगा सर, 15 marks का आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS Paper 3। डायरेक्टली क्वेश्चन आप लिखिएगा, एनवायरमेंट में भी ये ओवरलैप है बॉस, ये आपका एनवायरमेंट में भी काम आ रहा है
और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आ रहा है। चलिए जी, तो ये थे आपके हमारे तीन टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे लगे, उम्मीद है आपको पसंद आए। अच्छे लगे दोस्तों तो मुझे बताना ज़रूर, अपना फीडबैक देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, नहीं ज्वाइन किया तो अभी के अभी ढूंढो, अभी के अभी करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज़रूर करना है। और ये 500 MCQs की जो प्रैक्टिस बुकलेट है, आप लोगों ने जिसने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। 500 बेस्ट MCQs है पूरे सितंबर मंथ के, नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो और अपनी मेल पे PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।